वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसा आप सभी लोग, होप अच्छे होंगे। तो जब हमने हॉस्टल टूर वाली वीडियो बनाई थी ना, उसमें काफ़ी लोग के कमेंट आए थे कि भैया वो साले हॉस्टल का भी रूम टूर लाओ और जो ऑफ कैंपस है उनकी भी रूम्स वगैरह दिखा दो, हॉस्टल वगैरह दिखा दो। तो जो हमने इससे पहले बनाया था वो था डीम्ड के दोनों हॉस्टल से, जो कि डीम्ड के अंदर ही कैंपस में थे। बट अभी आज हम जो है बोस और साई दो हॉस्टल है जो कि कैंपस से बाहर है, उन दोनों को एक्सप्लोर करेंगे और सारी इन्फॉर्मेशन जो है आप लोगों को दिखाएंगे, मैच जिम वगैरह। आप लोग यही बने रहो हमारे साथ, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा गाइस जल्दी चैनल कर दो सब्सक्राइब और वीडियो कर दो लाइक। सो गाइस शुरू करते हैं हम लोग रूम से। यह है कुछ रूम यहाँ का, जो है आप लोगों को तीन बेड मिलेंगे और ये रहे स्टडी टेबल्स वगैरह, और जो सेपरेट अलमीरा मिलेंगे यहाँ पे। इसे माइंड मत करना, ऐसे रहता है बॉयज़ का अभी जो है सभी इधर उधर पड़ा हुआ सामान। और यहाँ पे मिलेगा आपको वॉशरूम, यह है कुछ वॉशरूम यहाँ का। और उसके बाद इस तरह की जो है बालकनी मिल जाएगी हर किसी में, जो है हर रूम में मिलेगी सेपरेट सेपरेट। और कुछ यह है व्यू बाहर का। अरे बात करते हैं इस रूम के प्राइस की, तो प्राइस है 1,03,000। तीन लोग रहते हैं और तीनों को जो सेपरेट सेपरेट पड़ता है क्योंकि हॉस्टल जो है अभी नया नया बना है। यह है कुछ व्यू इस हॉस्टल के सामने का, और इसी के जस्ट सामने है भगत सिंह हॉस्टल। ये जो सबसे महंगा हॉस्टल है यहाँ का, इसकी प्राइस होगी 1,15,000 अप्रोक्स, इसी के आसपास जो है इसकी प्राइस। और यहाँ पर जो आप लोगों को AC वगैरह मिलेंगे लगे हुए। यह है बोस का ग्राउंड फ्लोर, और यहाँ पे है मैस, और इसके बाद यहाँ पे भी टेबल टेनिस वगैरह खेल सकते हैं। और यह है यहाँ का टीवी रूम, सब लोग जो एक साथ टीवी देखते हैं यहाँ पे। और यह है यहाँ का जिम। गाइस मैच में चलते हैं, मैच यह है मैच यहाँ का, देख लो आप लोग। और यहाँ पे जो अभी दिन के टाइम पे लंच चल रहा है, लंच कर रहे हैं सब लोग। और गाइस मैं अभी कराने वाला हूँ आप लोगों को साई हॉस्टल का टूर। यहाँ जो अभी रूम से स्टार्ट करेंगे, रूम मैस वगैरह सब कुछ दिखाएंगे आप लोगों को। गाइस रूम से स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे स्टार्टिंग पे जो है अलमीरा वगैरह, दो अलमीरा यह है और एक अंदर है। और यहाँ पे जो है तीन बेड्स मिल जाएंगे, यहाँ हमारे अंकित भाई, और एक अलमीरा यह है, और यह है यहाँ का वॉशरूम कुछ इस तरह से। यहाँ ये बैठ के ही नहा लेते हैं भाई और बाकी ये देख लो इस तरह से जो है वॉशरूम है यहाँ पे। और बाकी कुछ यह है रूम यहाँ का, और बाकी जो है अभी आपको अंकित भाई बताएंगे। तो अंकित भाई जरा यहाँ की फीस वगैरह सब कुछ बताओ। फीस देखा जाए तो फीस यहाँ का 1,00,000 है, हाँ, जो कि आपको पार्ट वाइज सबमिट करना होता है। अच्छा, अगर आप चाहे तो पार्ट वाइज भी कर सकते हैं, और फुल चाहे तो एक बार में आप फुल भी कर सकते हैं। और 1 ईयर का है ना? हाँ, एक ईयर का 95,000 फीस है प्लस 5,000 सिक्योरिटी चार्ज। ठीक हो गया। और क्या, खाना वगैरह सब इंक्लूडेड है? हाँ, खाना उसी में इंक्लूडेड है। हाँ, और यहाँ पे एक है कि जिम नहीं है ना? जिम नहीं है यहाँ पे। हाँ, और जो ऑनेस्ट रिव्यू देंगे ये बताओ, क्या अच्छा क्या है यहाँ, बेकार क्या है? देखा जाए तो साई हॉस्टल का बेकार ये है, पहले बेकार से स्टार्ट करता हूँ। बेकार ये है कि यहाँ पे स्पोर्ट्स की फैसिलिटी नहीं है, थोड़ी तो जिम होनी चाहिए। हाँ, जिम साई हॉस्टल में जिम नहीं है। हाँ, जिम नहीं है। हाँ, थोड़ी सी प्ले हल्का सा गार्डन टाइप प्ले ग्राउंड होना चाहिए जिसमें मतलब शाम में लीजर टाइम में बैठ सके। एक है कोर्ट है वो बैडमिंटन का। हाँ, है बैडमिंटन कोर्ट है, जो भी वो भी सीमेंटेड कोर्ट है, इसमें चोट लगने की बहुत चांसेस रहती है। हाँ, एंड यू नो फिर अगर पॉजिटिव पॉइंट की तरफ जाए तो यहाँ पे काफ़ी सारे ब्लॉक्स हैं, और यहाँ पे सब लोग यूनिटी से रहते हैं और अच्छा ही है सब में। हाँ, वो तो है ही। और मतलब देखा है खाना भी अच्छे के मिला जुला कर सैटरडे की खाना तो छोड़ दिया जाए तो अच्छा, बाकी अच्छी है सब। अच्छा ठीक है। और जो है आउटिंग वगैरह का बताओ कुछ यहाँ का, जैसे कितने बजे तक बाहर जाने देते हैं, और संडे का क्या सीन है अलाउड वगैरह? आउटिंग को देखा जाए तो
आप संडे को अपार्ट फ्रॉम संडे देखा जाए तो हमें फ्रॉम 6 o'clock टू 8 o'clock आउटिंग, बिफोर 8 o'clock आपको वापस आ जाना होता है. एंड संडे को हमें 3 घंटे की आउटिंग मिलती है, वो भी हमें रिटर्न देना पड़ता है पहले वार्डन्स को परमिशन के लिए, उसके बाद ही हमें बाहर जाने मिलता है. पेरेंट्स वगैरह की परमिशन चाहिए होती है? हाँ, अगर मोर देन 3 आवर्स आपको बाहर जाना है तो उसमें पेरेंट्स की परमिशन ज़रूरी होती है. और अगर फिर जब हम घर जाते हैं या फिर हमें घर जाने टाइम, तो हमें वहाँ पे हमारी जो डीम्ड ऑफिस है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे जाके हमें पहले प्रिंट आउट निकलवाना पड़ता है घर से मेल मंगवा के, उसके बाद यहाँ पे वार्डन हमें परमिट करते हैं, उसके बाद हम यहाँ जा सकते हैं. तो और यहाँ लॉन्ड्री का क्या सीन है, मतलब कपड़े वगैरह धोने का? उसका लॉन्ड्री की ये सीन है कि लॉन्ड्री की फी हमारी 4000 है, उसमें हम एक बार में 6 कपड़े दे सकते हैं. अच्छा, वो भी ऑनेस्ट मेरी रिव्यू देखी जाए लॉन्ड्री को देखते हुए तो इतनी खास नहीं है. एक दो बार कपड़े गुम भी हो गए हैं. अच्छा अच्छा, मतलब मैं तो नहीं देता बाकी. अच्छा, लॉन्डर खुद ही तो हाँ, तो जैसे रखे हुए सब ये पेंडिंग है अभी, टांगे हुए सब आधे धोने बाकी है. हाँ, ये तो बाकी. और जो है लॉन्ड्री की 4000 पड़ती है फीस? हाँ, 4000 फीस है पर ईयर. पर ईयर? हाँ. अच्छा, ठीक ठीक, चलो ठीक, थैंक यू. और गाइज, यह है साई का मैस. यहाँ पे सर लोग खाना खा रहे हैं और भाई भी अभी खाना खा रहे हैं, और यहाँ से जो है खाना वगैरह मिलता है. और यह है यहाँ पे का व्यू सीन, और यहाँ पे मस्त बैठ के आप लोग जो है टीवी वगैरह भी देख सकते हो, और उसके बाद टेबल टेनिस भी खेलो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है. यह है साई हॉस्टल का बैडमिंटन कोर्ट. सारी इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों को दे दी है हॉस्टल से रिलेटेड, तो अगर वीडियो जरा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब. हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, टाटा.